हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, आज हम ढाबा स्टाइल कोल्हापुरी पनीर बनाने की रेसिपी सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में खड़े मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 8 से 9 क्लव्स डालेंगे, 2 कार्डिमम, 1 ब्लैक कार्डिमम, 1 सिनेमन स्टिक और इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से सभी मसालों का अरोमा रिलीज होता है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी कि खसखस डालेंगे, 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल, 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे और 1 टेबलस्पून कैश्यू नट्स डालेंगे और इन सभी मसालों को फिर से ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छे से। तो देखिए, ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम साबुत 4 से 5 कश्मीरी रेड चिली डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए, मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। अब इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, कोल्हापुरी पनीर बनाने के लिए हमारा मसाला बनकर रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रहेगी। तो चलिए अब सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून सेसमी ऑयल डालेंगे। अगर आप चाहें तो कोई और ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून क्यूमिन सीड डालेंगे और इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब इसमें एक फाइनली चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का अनियन डालेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम 1 टीस्पून जिंजर बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून गार्लिक बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसका कच्चापन दूर होने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें 2 फाइनली चॉप की हुई ग्रीन चिलीज और 1 फाइनली चॉप किया हुआ मीडियम साइज का टमाटो डालेंगे और इसको भी अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। इससे इस सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। ये देखिए, इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था वो डालेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि हमने इसमें कैश्यूज और पॉपी सीड्स डाले हैं तो उससे ये मसाला गाढ़ा होगा। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पकाएंगे। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें हम लगभग 50 ग्राम पनीर डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी एक प्यूरी बना लेंगे। तो देखिए, हमने इसकी पेस्ट बना ली है। अब इसको हम सब्जी में ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। ढाबा वाले ऐसे ही सब्जी को बनाते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। इससे हमारी मिर्ची का जो बैलेंस है वो अच्छे से हो जाएगा, ना तो ज़्यादा इसमें मिर्ची लगेगी क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पाइसीनेस ऐड किया है। इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, अब इसमें हम 1/2 फाइनली चॉप किया हुआ टमाटो और 1/2 फाइनली चॉप किया हुआ अनियन डालेंगे और 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर आप चाहें तो घर की मलाई भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसको भी चलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं। ये देखिए, सब्जी ने अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिया है। अब हम इसमें ग्रेटेड पनीर डालेंगे। इसको हम कद्दूकस करके डालेंगे। इससे सब्जी का बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आता है।
अब इसमें 3 से 4 ग्रीन चिली स्लिट करके डालेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। इसको अच्छे से सभी मसालों को मिला लेंगे। अब हम इसमें पनीर क्यूब्स डालेंगे। और इसमें एक टमाटर के बड़े बड़े टुकड़े करके डाल देंगे और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे और इसको चलाएंगे। अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी जो सब्जी है वो पक चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ या चावल के साथ सर्व करेंगे। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे ही आप इसे इंजॉय कर सकती हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।